दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज। जैसे कि आप सभी देख सकते हो मेरे हाथ में है कि फोन, और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा और हाइप में से ज्यादातर लोग थंबनेल देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, बिकॉज काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी महीनों से आ रहे थे। जब से मैंने स्कॉलरशिप वाली वीडियो डाली थी आप सब बोल रहे थे स्कॉलरशिप कब आएगी, बता दो भैया, बता दो सर कब आएगी स्कॉलरशिप। और मैं एक ही जवाब दे रहा था कि अभी कोई नोटिस नहीं आया है, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, वेट करो नोटिस आ जाएगा। और फाइनली नोटिस आ चुका है, 15 जनवरी का स्कॉलरशिप निकलने वाली है। पूरे क्राइटेरिया आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या क्या होने वाला है। स्कॉलरशिप 2020 से 21 की ये स्कॉलरशिप है, तो चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, या चाहे आप फोर्थ ईयर में हो, दिल्ली के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली के राज्य से जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी कोर्स कर रहे हो। तो आज की वीडियो बिल्कुल पूरी देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना अगर आपको एक एक प्रोसेस समझना है। और आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरी डेमो के ऊपर होगी, कैसे आपको ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कैसे फॉर्म भरना है, वो वीडियोस भी आने वाले टाइम में आएंगी। पर आज की वीडियो पूरी प्रोसेस के ऊपर होने वाली है, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या शेड्यूल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में इतनी जो बढ़िया बढ़िया वीडियोज आने वाली है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आने वाली है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, उससे आप वंचित रह जाओगे, उसको आप मिस कर दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपकी तरह इस वीडियो को फैला देना, बिकॉज जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता स्कॉलरशिप मिल सकती है उनको उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, बिकॉज स्कॉलरशिप हर बच्चे का हक है, हर बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलनी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर साइड में स्क्रॉल, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको शो करूंगा कि क्या नोटिस है, मैं आपको हाथ को हाथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और जो मैं आपको पढ़ूंगा वो यहाँ पे आपको साइड में शो होएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से उसको देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा, ईयरफोन लगा लीजिए अगर अभी तक आपने ईयरफोन नहीं लगाए हैं, सो दैट आपको चीजें यहाँ पे समझ आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो ये नोटिस आया है ये 14 जनवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और 14 जनवरी को ही ये नोटिस आया है, आज ही ये नोटिस आया है। तो क्या कहता है नोटिस इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग अनाउंसमेंट ऑफ द मेरिट कम मींस लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। तो यहाँ पे खुशखबरी जो सबको आपको पता है कि यहाँ पे निकल चुकी है ये स्कीम। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको जूम करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि 15 जनवरी 2021 से ये स्कॉलरशिप निकल रही है, 15 जनवरी 2021 से ये निकल रही है। कब तक निकलेगी, जो इसकी क्लोजिंग डेट होने वाली है वो 15 मार्च 2021 होने वाली है, यानी 2 महीने का टाइम दिया गया है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और पहले ही मैं आपको बता दूं ये ऐसा नहीं है कि जातिवाद के आधार पे मिल रही है, ये EWS के आधार पे मिल रही है, उन लोगों को मिल रही है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या कैटेगरी है मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, आई कार्ड पे आपको जाके वो वीडियो देख सकते हो। हालांकि इस वीडियो में भी मैं काफी बातें बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए इस वीडियो को भी ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में डिटेल में, वो वाली वीडियो का आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। मेन चीजें हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है 3 कैटेगरी में यहाँ पे स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एलिजिबिलिटी आप ये है कि जस्ट स्टूडेंट शुड हैव बीन एनरोल्ड फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड टू दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता आप कौन सा कोर्स करते हो, अगर दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है या वो उसकी यूनिवर्सिटी है तो आप एलिजिबल हो। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है IP यूनिवर्सिटी, DTU, NSUT, IIIT, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बाकी कॉलेजेस भी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपका जो कॉलेज है वो दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना जरूरी है, ठीक है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या है, द स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम, इकोनॉमिक एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया।
देखो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 60% मार्क्स आपके होने चाहिए टोटल एवरेज सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, जो कि हर किसी के आ जाते हैं एवरेजली। अगर मैं बात करूं 60% होने चाहिए चाहे आप तीनों कैटेगरी में बिलोंग करते हो। कैटेगरी वन होती है जिसमें आपको 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपकी जो फीस है वो पूरी की पूरी माफ हो जाती है, जितनी भी ट्यूशन फी है आपकी वो पूरी माफ हो जाती है, बाकी फीस आपको पे करनी पड़ती है, बहुत ही कम जो होती है। तो तीन कैटेगरी में आती है। पहली कैटेगरी होती है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हो। आपके पास अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आप आ जाओगे और पोजेस द कार्ड इशूड अंडर द स्कीम, ठीक है, इसमें आपको 100% की स्कॉलरशिप मिलती है ट्यूशन फी पे। सेकेंड कैटेगरी आती है जिसमें आपकी जो पारिवारिक आय है, जो आपकी फैमिली इनकम है, वो 2.5 लाख तक है। अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है तो आप इस सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हो और उसमें आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि इस केस में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जो कॉलेज में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करें तो 12th के मार्क्स देखे जाएंगे आपके, है ना। कैटेगरी थ्री आती है जिसमें आपकी 6 लाख तक की फैमिली इनकम होनी चाहिए ईयरली की। इससे ज़्यादा अगर हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मैक्सिमम 6 लाख होनी चाहिए आपकी इनकम, 2.5 से 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है फैमिली की तो आप 25% के लिए अप्लाई कर सकते हो ट्यूशन फी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहा है SC या ST में आ रहे हो तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यानी आपके अगर 55% मार्क्स भी हैं एवरेज सारे सब्जेक्ट्स को मिला के तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बात करी गई है जो फंड्स हैं वो सब यहाँ पे मैनेज करे गए हैं। कुछ यहाँ पे अदर कंडीशंस हैं कि द स्टूडेंट शुड नॉट हैव बीन अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी अंडर एनी अदर स्कीम ऑफ एनी अदर एजेंसी और गवर्नमेंट। आप इसको तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने कोई और स्कीम के लिए अप्लाई ना किया हो। अगर आपने और कोई स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज विल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो या आपकी बैक आ गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ये बात आप ध्यान से सुन लो। अगर आपकी बैक आई है या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। विल नॉट गेट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द रिपीट ईयर एंड बियॉन्ड। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसमें आपकी जो एग्रीगेट है वो 60% होनी चाहिए। अगर आप एक SC या ST हो तो 55% एग्रीगेट होने चाहिए, पर सारे सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होती है, मैं इसका टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा कब कब मैंने कौन कौन सी बात करी है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, चाहे आप कैटेगरी वन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे टू के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे थ्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास क्लास 12 और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी 12th क्लास की पास की कॉपी लगेगी मार्कशीट की और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इसलिए लिखा है। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, मतलब जिस भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लास्ट ईयर की आपकी कॉपी लगेगी। फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो 10th 12th की लगेगी, सेकंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की लगती है, थर्ड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो सेकंड ईयर की लगेगी और फोर्थ ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो थर्ड ईयर की लगेगी, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप SC ST से रिलेट कर रहे हो तो आपका SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा जो कि इशू होगा आपका। थर्ड चीज, आपकी पासबुक की कॉपी, ई स्टेटमेंट ऑफ द स्टूडेंट बैंक अकाउंट विच शुड बाय आधार सीडेड। आपका जो बैंक अकाउंट है, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट यहाँ पे बात हो रही है, आधार से लिंक होना चाहिए, उसकी पासबुक की कॉपी लगेगी। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने का टाइम दिया हुआ है, तो अब इसे प्रिपेयर करके रख लो ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ऑल द प्रीवियस मार्कशीट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंकर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ द करंट प्रोग्राम, ये आपका लगेगा, ठीक है। आर डिक्लेरेशन एज पर फॉर्मेट और एनशन ए बाय द स्टूडेंट अफर्मिंग दैट नो फाइनेंशियल सपोर्ट हैज बीन अवेल्ड इज बीइंग अवेल्ड फ्रॉम एनी अदर स्कीम। तो एक यहाँ पे फॉर्म आपको नीचे गिवन है इस PDF में, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको फॉर्म भर के यहाँ पे देना है, उससे आपको ये हो जाएगा कि आप इसके अलावा और कोई स्कीम में अप्लाई नहीं कर रहे हो, एक उसके लिए जस्ट डिक्लेरेशन के लिए आपसे ये मांगा जा रहा है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे, अगर आप कैटेगरी वन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका राशन कार्ड की यहाँ पे कॉपी लगेगी, ठीक है।
अप्लाई टू के लिए कर रहे हो तो आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो कि एसडीएम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पास आउट होना चाहिए। अगर आप 25% वाले के लिए कर रहे हो तो भी आपका कॉपी लगेगी, फुल इनकम टैक्स रिटर्न इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट पेज फॉर बोथ पेरेंट्स फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ नॉन वर्किंग पेरेंट एन एफिडेविट बनेगा जो कि अफर्म करता होगा नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बाय द ऑफिस ऑफ एसडीएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। तो एसडीएम या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका पास आउट होना चाहिए, इनकम का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी वन में अप्लाई कर रहे हो तो कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ओनली राशन कार्ड की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा एनुअली फैमिली इनकम का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई गड़बड़ करी, कोई गलत जानकारी दी तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और हो सके तो आपका अगली बार भी ये नहीं लेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट ए, तो ये आपको भरना है, ये डिक्लेरेशन के लिए आपको भरना है, जिससे कि उनको ये पता चल पाए कि आप इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, खाली इसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसको आपको निकाल लेना है, इसको आपको फिल कर लेना है, चाहे आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फिल कर लो कंप्यूटर से या मोबाइल से, या फिर आप इसे निकाल के सीधा फिल करके फोटो खींच के स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके दो विटनेसेस के यहाँ पे साइन होंगे अदर देन दी पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो या कोई जानने वाला हो या आपके फादर का कोई फ्रेंड हो, मदर का कोई फ्रेंड हो, उनका नेम एंड कंप्लीट एड्रेस, सो दैट आप वो गवाह बने आपके कि आपने जो डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही भरी है, कोई गलत फहमी नहीं है। तो इन केस अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, कोई झूठी जानकारी देते हो, तो इन केस उनको फ़ोन किया जाएगा, उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, किसी से भी आप करवा सकते हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी आप जानकारी दो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स नहीं होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वेदर ऑल कोर्सेज प्रोग्राम एंड ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कवर्ड अंडर, यस ऑल अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आर एलिजिबल, ठीक है। वेदर ऑल यूनिवर्सिटी इनसाइड आउटसाइड दिल्ली आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, नो, आउटसाइड दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं वो इसमें कवर नहीं होते हैं, ओनली दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो इस पीडीएफ का मैं लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोली गई हैं, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज दोज आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। अब ध्यान से नाम सुन लो, ध्यान से आप सभी नाम सुन लो, जो जो इसके लिए अप्लाई है, जो जो यूनिवर्सिटी इसके लिए अप्लीकेबल है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, DTU, NSUT, IIIT, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस एफिलिएटेड टू GGS IPU, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटीज जो हैं, ये इनके जो स्टूडेंट्स हैं कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं इन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हो, सो दैट उनकी हेल्प हो सके, वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें, बिकॉज इंडिया में स्कॉलरशिप बहुत हैं, स्कीम बहुत हैं, बट स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को इसकी जानकारी हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसी ही वीडियोज मैं लेकर आता रहूँगा और एक डेमो भी पूरा बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको आईडी क्रिएट करनी है, कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे वीडियो क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ गया होगा, ये पूरा यहाँ पे फंडा था और आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा सारी चीज़ें, मैंने आपको पूरी समझा दी हैं। तो आई होप आप सबको स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी जो यहाँ पे डिटेल आई थी, और आप सभी को काफ़ी खुशी हुई होगी, बिकॉज इस बार ऐसा लग रहा था कि यार स्कॉलरशिप निकलेगी या नहीं निकलेगी, मुझे भी काफ़ी टेंशन हो रही थी, बिकॉज कोरोना की वजह से क्या था, फंड सारा खत्म हो गया था गवर्नमेंट के पास, पर ये स्कॉलरशिप थी तो निकलनी तो थी, स्टूडेंट्स के फायदे के लिए ही थी, भले ही देर से निकली पर निकली जरूर, और 2 महीने का टाइम है। सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताई हुई है डिटेल में, आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इस बार 15 करोड़ रुपए IPIP यूनिवर्सिटी में बांटे गए थे और बाकी यूनिवर्सिटी को तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि स्कॉलरशिप कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाते हैं, और अगर हर स्टूडेंट को पता चल जाए जो दिल्ली में इन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो सबको ये बेनिफिट मिल पाएगा।
सब इस स्कॉलरशिप को ले पाएंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिल पाएगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करता हूँ कि आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है, लाइक कर देना वीडियो को, ऐसी वीडियो लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे झाझा कर सकते हो, आपकी तरह फैला देना, बिकॉज काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो ये होने वाली है। स्कॉलरशिप ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, ठीक है। तो गाइस काफ़ी मैंने बोल लिया है ऑलरेडी, जो भी आपके डाउट्स है जल्दी से कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सो दैट आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पे मिल पाए। वीडियो में हर बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, बहुत सारे सवाल आते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।